सो दिस इज माजगांव डॉक और ये है M2M फेरी जो हमारी गाड़ी को यहाँ से लेकर जाएगी। इसमें गाड़ी भी जाएगी वाली बात। हाँ जी, मुंबई टू मांडवा। तो आपको क्या लगा गाड़ी कैसे आएगी? नहीं, मुझे लगा कि आज हमारे को फेरी में जाना और वापस आके हम यहाँ गाड़ी पिक करेंगे। नहीं, ये गाड़ी इसी में अंदर पार्क होती है। हम भी इसी में जाएंगे गाड़ी में ऐसे। नहीं, हम तो उतर जाएंगे। After a nice pool session, relaxing it was. Now we had lunch. मतलब बहुत ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा खाया। धानसक दाल बनी थी, पारसी दाल है, amazing बनी थी। पनीर मखनी था, भुना मटन गोश्त और भिंडी मसाला एंड दाल तड़का। ओह गॉड, इतना बढ़िया खाना था, इतना बढ़िया खाना था। अब खाकर यहाँ झूले पर लेटी हूँ एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस ब्रीजी ब्रीज। देखो कितना सुंदर है पीछे वो
That's the sea behind. सुबह हाई चाय था, अब पानी रिसीड कर गया है. Yeah, come bunny, come here. Let's tell them what is important on our vacation. Idhar aao, batao, idhar kya important hai? Aajo. Okay, the important thing is ke agar bachcha chidchida ho, us waqt use na chhede. Anyhow, jokes apart. To do important cheezein hain. Ek to main apna yoga practice vacation pe bhi karti hoon aur dusra hai reading. Reading is also important. And my husband dear is getting irritated while recording this video, so I'll cut it here. So what do you eat on vacations? What's yes. that? अरे दिखाओ तो सही पूरा. Very bad. Anyhow, vacations है तो junk खाना भी बनता है. But as I said. लंच टाइम हो गया है. लेट्स चेक हमारे लिए लंच रेडी है कि नहीं. हेलो, हमारे लिए लंच लगा दो प्लीज. पाव भाजी. अरे वाह, या पाव. आप मसाला लगा के दोगे ना पाव में, गरम करके? गरम किया, गरम किया बटर लगाया. ये बात है. दाल फ्राई. वो फिश का है. ओके, चलिए अब लंच करेंगे. लंच बाय द बीच. Like in literal beautiful sense. ये देखिए, ये मेरे पीछे. Isn't that beautiful? Come closer, I'll show you. ये देखिए, है ना? Spectacular और beautiful. इसे दिगोड़ी बीच कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत है. हाई टाइड जब होता है तो पानी वहाँ तक आता है और फिर हमें गाड़ी वहाँ पर पार्क करनी पड़ी. और ऐसा लो टाइड में ये पूरा रास्ता, इफ यू कैन सी एक्सपोजर सेट. ओके, तो वहाँ से गाड़ी आती है और यहाँ नीचे पार्क होती है. बट आई लाइक दिस व्यू, पैदल चलने का भी. ओके, लंच टाइम. बंगलो और वहाँ पीछे हम लंच करेंगे और वहाँ हमारा लंच सेटअप हो रहा है.
लवली। पाव भाजी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल में बहुत बढ़िया बनी। आज ट्यूजडे इसलिए मैं ये फिश पॉम्फ्रेट ट्राई नहीं कर पाऊंगी, बट बहुत अमेजिंग बन रही है। सुबह का वर्कआउट डन, रीडिंग डन, स्विमिंग डन, खाना एक्सेसिवली खा लिया, ओवर ईटिंग डन। अब थोड़ा सा पावन है, ओके वी आर टेकिंग इवाना फॉर अ वॉक, कम इवाना, वी आर गोइंग आउट फॉर अ वॉक। Ivana is taking you for a walk. चलो इवाना काम, इनके होंगे ना मामा केयर टेकर्स के। कम 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 कम, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ओ वाओ लुक एट द सनसेट दो, ब्यूटीफुल साइट ऑफ प्लास्टिक, ओ ये छोड़ दो, हाँ ये है, बट ये देखो look at the brighter side, look at the sunset, India, India. Incredible India sunset, oh wow baby, orange sun, huh? Orange sun, oh, wow. This is beautiful. तो जब भी sunset होता है मैंने एक लाइन पढ़ी थी स्कूल में, मैं उसे पैराफ्रेज कर रही हूँ, दैट विद एवरी डे व्हेन द सन सेट्स इट गिव्स अस अ प्रॉमिस ऑफ राइजिंग अगेन, सो हर डूबता हुआ सूरज हमें कल की उम्मीद दिलाता है कि कल एक नया सवेरा होगा और एक नया दिन होगा, और इसी के साथ आई एम साइनिंग आउट। Bye everyone. Have a beautiful morning. Wake up or be grateful that you've got yet another day to live this beautiful life full of miracles. आज हमारा आखिरी दिन है और हमारे लिए फ्रेश कोकोनट्स यहाँ पर ऊपर दादा चढ़कर निकाल रहे हैं। इट्स अ ह्यूज टॉल कोकोनट पाम, और ये देखिए फ्रेश, एकदम फ्रेश बंचेस जो हैं वो कोकोनट के निकाले हैं, एंड आई वाज क्वाइट फैसिनेटेड कैसे वो ऊपर गए और कैसे उन्होंने आई थिंक 3 या 4 बड़े बड़े बंचेस कोकोनट के निकाले हैं। अमेजिंग इट इज़, इफ यू वांट टू सी द व्यू, है ना स्पेक्टेक्युलर।
Wow. Fresh coconut water. Amazing taste. Water has receded, नीचे चला गया और काफी जगह बन गई and I think lot of locals depend on इसी के ऊपर tides के ऊपर because that guy was also a local that white गाड़ी ना okay.